फ्रेश पिटीशन है, 25 दिन बाद लिस्ट हो रही है। आई वुड रिक्वायर 5 मिनट्स टू एक्सप्लेन माई केस, काइंडली ग्रांट मी। व्हाट इज द रिलीफ? सर, SIT इंक्वायरी मांगी है, मैटर इज सेंसिटिव इसीलिए। एंड पुलिस, व्हाट इज योर कंप्लेंट? सर, मेरा कंप्लेंट ये है कि पुलिस ऑफिसर्स ने जो मेरी 10 पिटीशंस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, जिसमें डिफरेंट पुलिस स्टेशंस इन्वॉल्व है, उसमें फॉल्स केसेस इम्प्लीकेट किए, मुझे इम्प्लीकेट किया गया है, उसके संबंध में पेंडिंग थी, 2 चीफ जस्टिस के सामने पेंडिंग थी। दैट वाज द केस पेंडिंग। और वो पिटीशन, इन दिस केस एलिगेशन इज दिस दैट कि सर, वो वाला केस जो 28 मार्च को लिस्टेड था, उससे 4 दिन पहले 24 मार्च को मेरे खिलाफ एक FIR होती है, 25 को मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है, कस्टडी में ले लिया जाता है, और उसके बाद मुझ पर NSA भी लगाई जाती है, बींग इन द जेल। सेंट्रल गवर्नमेंट NSA को रिवोक कर देती है, क्लियरली राइटिंग कि देर वॉज नो लीगल ग्राउंड टू इन्वोक NSA। और जो FIR रजिस्टर्ड हुई 24 मार्च को भरकुआ थाने में, उसमें कुछ ऐसे सस्पिशन पॉइंट्स, कुछ ऐसे दस्तावेज निकल के आए जिससे ये प्रूव हो रहा है कि पुलिस ने कॉन्स्पिरेसी करके मेरे खिलाफ FIR की है। और उसमें इंदौर के पुलिस कमिश्नर का क्लियरली नाम आया है, और इंदौर के पुलिस कमिश्नर की मैंने 10 मार्च को ही कंप्लेंट की थी चीफ मिनिस्टर महोदय को, और 164 के कथन में जो फरियादी हैं उन्होंने क्लियर बोला है कि पुलिस कमिश्नर महोदय ने आदेशित किया है FIR करना वरुआ थाने का, 164 में लिखा है। लेकिन अगर साहब FIR देखेंगे, मैंने चार्जशीट लगाई है, FIR जो है वो आवेदन पे रजिस्टर्ड है, और आवेदन थाना प्रभारी महोदय को संबोधन है। Who has lodged the FIR against you? Sir, I don't know that person. I have never met that person. The person is some Vijay, son of Ramesh Rathore. Vijay Rathore, son of Ramesh Rathore. Sir, जहां तक मुझे पता चला, ये एक सब्जी बेचने वाला है सर, और ना मैं इससे कभी मिला हूँ, ना मैंने इसको कभी देखा है आज तक। रिलीफ ये है, सर, रिलीफ ये है कि इसमें चूंकि क्लास 1 ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, स्टेट के कमिश्नर ऑफ पुलिस IG रैंक के अधिकारी हैं, DM जिन्होंने NSA लगाया था वो भी क्लास 1 रैंक के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन सर? ऐसी घटिया टाइप की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उन्होंने फाइल करी है, नीचे चार्जशीट, जिसमें 10 साल की सजा है 384-389 में, एक आई विटनेस है, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है सर, वो भी कंप्लेनेंट का दोस्त है। Yeah, what report has been registered against you? 384-389 sir, blackmailing की report डाली है मेरे खिलाफ। And sir, the point is कि FIR जो registered होती है वो बिना preliminary investigation के मेरे खिलाफ registered हो जाती है 24 मार्च को, 28 मार्च को इतने important matter की court में hearing थी, 25 को ही मुझे arrest कर लिया जाता है। At what time sir? 2:30 in the afternoon, 3:15 पे arrest record करते हैं, 4:30 पे मुझे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, 5 o'clock में मुझे जेल में डाल देते हैं। दिस इज डिफरेंट मैटर या फ्रॉम दोज मैटर्स? हाँ, उसको दबाने के लिए मेरे खिलाफ एक नई FIR की, बेसिकली कंटेम्प्ट का भी मामला बनता है। मैंने एडवोकेट जनरल साहब को लिखा है कि कंटेम्प्ट मूव करें। FIR इज ऑन रिकॉर्ड? यस सर, पूरी चार्जशीट लगाई है मैंने। वेयर इज FIR? सर, चार्जशीट इज ऑन पेज नंबर 22। फरियादी विजय पिता रमेश राठौर, उम्र 33 साल, निवासी बियावानी, ने एक लेखी आवेदन पत्र थाना प्रभारी महोदय को पेश किया, जिसका मजमून निम्न है। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, भरकुआ इंदौर, विषय अवैध रूप से पैसा लेने और पैसा मांगने बाबत। महोदय, थाना प्रभारी महोदय से निवेदन है कि मैं विजय पिता रमेश, निवासी बियाबानी, इंदौर को मनीष माटा द्वारा अवैध रूप से पैसा लेने और ज़्यादा पैसा मांगने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मनीष माटा अपने आप को पत्रकार बताता है और बोलता है कि तू गांजा और दारू बेचता है। श्रीमान, मैं इस तरह का कोई काम नहीं करता हूँ। मैं कोर्ट में तारीख पर कुछ दिन पूर्व गया था सर, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, इनके ऊपर खुद के ऊपर एक केस भी चल रहा है। मैं मनीष माटा अपने आप को पत्रकार बताता है, बोलता है कि तू गांजा एवं दारू बेचता है। श्रीमान, मैं इस तरह का कोई काम नहीं करता हूँ। मैं कोर्ट में एक तारीख पर कुछ दिन पूर्व गया था, उस वक्त मनीष माटा ने, पत्रकार ब्रैकेट में लिखा सर, हमने मुझसे 2000 रुपये मांगे जो मैंने दे दिए, किंतु अभी 15 दिन पूर्व फिर मुझे राधा स्वामी सत्संग खंडवा रोड के पास मिला और बोला कि 8000 रुपये और लगेंगे,
नहीं तो तेरे बारे में छापना शुरू कर दूंगा। मेरे द्वारा घटना घर पर बताई गई श्रीमान उक्त झूठे पत्रकार से मेरा पीछा छुड़ाया जाए या आए दिन मुझे ब्लैकमेल करता है। अभी 5 दिन पूर्व DAVB यूनिवर्सिटी के पास मिला और बोला कि मुझे कहीं से भी AC फाइनेंस करा के दे, नहीं तो मैं तेरे बारे में पेपर में झूठा झूठा छाप कर तेरे खिलाफ रिपोर्ट करा दूंगा। तो वो बोला कि मेरे ऊपर भी पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं, मैं पुलिस से डरता नहीं हूँ, मेरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से काफ़ी अच्छे संबंध हैं। श्रीमान मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहा है, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, यही निवेदन है सर। यहाँ पे देखिए आप कंटेंट एक्चुअली नहीं सर, नॉन बेलेबल है 389 इसमें से। यू आर ऑन बेल? यस सर, मैं 48 दिन कस्टडी में रहा सर। नो नो, यू हैव बीन ग्रांटेड बेल इन दिस क्राइम बाय हाई कोर्ट सर। बाय हाई कोर्ट? यस सर। सर बेल मिलने में इतनी परेशानी हुई क्योंकि NSA लगा दिया था उन्होंने, और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आता है और बोलता है कि कोई ग्राउंड ही नहीं था NSA के। DM की तो कॉम्पिटेंसी पूरी तरीके से चैलेंज हो चुकी है सर। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर मैटर, दिस इज फ्रॉम इंदौर, मलोट में काइंडली कंसीडर, केस इज रजिस्टर्ड एट इंदौर। यस मैम, फ्रॉम मलोट में काइंडली कंसीडर लुकिंग टू द कंटेंट्स व्हिच हैज बीन रेड बाय बाय द पेटिशनर। यस, बट इफ एनी कंप्लेंट कम्स टू एनी ऑफ द पुलिस स्टेशन वी आर बाउंड टू रजिस्टर द सेम। सर इनकी ये जो बाकी जितनी भी चीजें हैं सर, नथिंग इज ऑन रिकॉर्ड सर। इट इज लाइक मेकिंग एलिगेशन ऑन एनी ऑफिसर एनी इन एनी मैनर विदाउट देयर बीइंग इवन अ सिंगल डॉक्यूमेंट और आयोटा ऑफ एविडेंस टू शो दैट एनी हाउ दीज पीपल आर इन्वॉल्व्ड। सर डॉक्यूमेंट इज इफ सच काइंड ऑफ एलिगेशंस आर अलाउड टू बी कंटिन्यूड विद ड्यू रिस्पेक्ट सर काइंडली सी ऑल दीज ऑफिशियल्स आर सीनियर ऑफिशियल्स मेलोट। सर आई एम प्रेजेंटिंग द प्रूफ, पेज नंबर 41 पे 164 के कथन है फरियादी के। सर काइंडली रीड, उसमें प्रूफ है। पेज 41, इट इज अ स्टेटमेंट इन द सेक्शन 164। सर पहला पैराग्राफ देखें, ये कंप्लेनेंट का विजय पिता रमेश राठौर का नहीं लिखा है जो आप बताना चाह रहे हैं। सर दो मिनट बोलने तो दीजिए। सर अंडरलाइन करा हुआ है मैंने, आयुक्त के पास गया, उन्होंने बताया। हाँ, मैं श्रीमान आयुक्त के पास गया और बताया कि मनीष मुझे ब्लैकमेल करता है। नाउ द FIR इज रजिस्टर्ड ऑन द एप्लीकेशन व्हिच इज एड्रेस्ड टू द SHO। और सर एक और मेरे पास प्रूफ है, सिंगली डिपेक्ट्स दैट। मैं और प्रूफ देता हूँ सर, टू रजिस्टर एन FIR। सर मैं और प्रूफ देता हूँ, पेज नंबर 21 देखेंगे सर प्लीज। इसमें मेरे द्वारा 3 से 4 बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं इंदौर के, इनकी कंप्लेंट खुद पुलिस कमिश्नर को मैंने सौंपी है। आयुक्त के बारे में अगर आप ये बात कर रहे हैं तो द टू नेम्स व्हिच हैव बीन टेकन इन द रिट पिटीशन दे आर नॉट आयुक्त। आप खुद क्या स्टेटमेंट बोल रहे हैं सर और लिख क्या रहे हैं? सर पेज नंबर 2 नेम्स आर मलोड ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स, नन ऑफ दीज पर्संस आर आयुक्त और कमिश्नर मैम। सर मैं एक प्रूफ ये भी देता हूँ कि मुझे मेरे वेलविशर ने, किसी पुलिस के वेलविशर ने मुझे ये बताया कि डिप्टी कमिश्नर साहब खुद आए थे थाने और उन्होंने रिपोर्ट लिखाई कंप्यूटर पे बैठ के और बोला बाद में साइन करा लेना। सर इसको कॉरोबरेट करने के लिए मेरी मदर ने मेरे कस्टडी में रहते हुए RTI एप्लीकेशन लगाई थाने में कि हमको CCTV फुटेज दो, तो दे नहीं रहे। सर क्या लिख रहे हैं कि संरक्षण अवधि से बाहर हो गया डेटा, लेकिन टाइम नहीं लिख रहे कि कितने संरक्षण अवधि का डेटा है। लेकिन सर मेरे पास 2016 की पेपर कटिंग पड़ी है दैनिक भास्कर की, जो मैंने लगाई हुई है, जिसमें तत्कालीन DIG ने बोला कि 30 दिन संरक्षण अवधि रहती है। चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड, ही हैज हिमसेल्फ फाइल्ड द कॉपी ऑफ सर। चार्जशीट फाइल की गई है, मेरा ये कहना है कि जो उन्होंने दो डेट्स बताई है फरियादी ने कि फलाना उस जगह पे मिला, इन्वेस्टिगेशन तो कोर्ट में है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। सर आई एम डिमांडिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन थ्रू एन SIT। Make a prayer to the court. It's now pending before. Not sir, further investigation का prayer magistrate court में लग सकता है 173(8) में. But SIT का power नहीं है sir magistrate court को. That is power with the government. Institution of investigating committee. Sir, magistrate himself can make an inquiry. He has got the power under the. Sir, आप direction करते हैं sir trial court को SIT करने का, तो मैं उधर चले जाऊँगा, मुझे कोई problem नहीं है। श्री मनीष माटा सर, मैंने कंपनसेशन भी मांगा है इलीगल कस्टडी का, इसमें एक रिलीफ वो भी है। है सर, है इसमें पेयर कंपनसेशन का, पर ये पैरा 8 7.2 में मांगा है सर कंपनसेशन, उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा। सर NSA के लिए मांगा है सर, NSA तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिवोक कर दिया, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर लिखा तभी तो मुझे छोड़ा सर उन्होंने।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर लिखा है सब्सटेंशियल सीआरपीसी में ऑलरेडी प्रोसीजर है, एनएसए लगाने का कोई वो नहीं था। वो क्लब कर दिया आपने, उसको अलग से आपको लिबर्टी दे देते हैं, वो अलग से लगाइए सर। मेरा ये उसकी अथॉरिटीज अलग होती हैं, कलेक्टर पास करता है ये, इसमें ना तो कलेक्टर पार्टी है ना कुछ है सर, होम सेक्रेटरी पार्टी है ना सर। अरे होम सेक्रेटरी कौन पास करता है भाई? सर अभी तीन दिन पहले सर एक पिटीशन आपके यहाँ लगी थी, उसमें कलेक्टर था, आप बोले कि कलेक्टर को पार्टी में बनाओ, होम सेक्रेटरी को बनाओ। अब मैंने इसमें होम सेक्रेटरी नहीं है तो मुझे बोल रहे कलेक्टर को नहीं, मैं कहाँ जाऊँ सर, मुझे बताइए। स्टेट इज नॉट मेड पार्टी थ्रू कलेक्टर, कलेक्टर मे बी मेड इंडिपेंडेंटली पार्टी, स्टेट इज मेड पार्टी थ्रू सेक्रेटरी, ओनली इन द सिविल सूट्स स्टेट इज मेड पार्टी थ्रू कलेक्टर। सर मेरा एक निवेदन ये है, यू आर अपीयरिंग इन पर्सन, वी आर नॉट अडॉप्टिंग टेक्निकल अप्रोच, वी आर गिविंग यू लिबर्टी, मेक ए सेपरेट काज ऑफ एक्शन, दिस इज सेपरेट, यू आर क्लेमिंग कंपनसेशन फॉर योर डिटेंशन इन द एनएसए, डिफरेंट अथॉरिटीज आर देयर, वी विल गिव यू लिबर्टी फॉर दैट वीक सर। सो फॉर द क्वेश्चन ऑफ द चार्ज शीट इन्वेस्टिगेशन एंड चार्ज शीट cases concern, this can't be done in the writ petition. Sir, SIT का power magistrate court को नहीं है सर, it is high court को पड़ी। Magistrate himself can make sir, अगर आप direction दे दें तो मुझे, मैं वहाँ approach कर लूँ। Petitioner in person, Sri Aditya Garg, government advocate for